उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली के थाना मुगलसराय पुलिस की सक्रियता से मंगलवार को करवट क्षेत्र में बड़ी तबाही होने से बच गई। करवट क्षेत्र में स्थित एक मोबाइल की दुकान में आग लगने की सूचना पर पहुंची पुलिस व अग्निशमन के टीमों ने एहतियातन आसपास की दुकानें जब खाली करवाई तो एक दुकान में बड़ी मात्रा में पटाखे और बारूद का जखीरा बरामद हुआ। गनीमत रही कि पुलिस ने समय रहते विस्फोटक को हटवा लिया, नहीं तो बड़ी तबाही हो सकती थी। घटनाक्रम के मुताबिक रुचि अग्रवाल पत्नी जगन अग्रवाल निवासी पटेल नगर थाना मुगलसराय, जिनकी करवट में मोबाइल की दुकान थी। मोबाइल दुकान के बगल में एक पटाखे की दुकान भी स्थित थी। मंगलवार सुबह रुचि अग्रवाल की दुकान में आग लग गई। मौके पर थाना मुगलसराय व अग्निशमन की टीम पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए संबंधित थाना द्वारा अगल बगल की दुकान को खाली कराया जा रहा था। इसी दौरान रुचि अग्रवाल के बगल के दुकान में भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ। गनीमत रही कि तब तक आग वहां नहीं पहुंची थी। एक सप्ताह पहले इसी दुकान में लगभग 2056 पेटी पटाखा, 27 पेटी फुलझड़ी व 2 बोरी बारूद रखा गया था। इस पटाखे को रखने वाले का नाम अनवर निवासी मालोखर बताया गया। दोनों दुकानें एक ही गोदाम में थी। वहीं गोदाम मालिक के रूप में अनिल अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय गिरधारी अग्रवाल निवासी कैलाशपुरी थाना मुगलसराय के रूप में पुष्टि की गई। फिलहाल बगैर भंडारण लाइसेंस के इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक रखने पर पुलिस दुकान व गोदाम किराए पर देने वालों पर विधिक कार्रवाई कर रही है। मुगलसराय थाना क्षेत्र के करवत ग्राम में अग्निशमन विभाग और स्थानीय पुलिस की सक्रियता से एक गोदाम में अवैध रूप से भंडारण किए हुए लगभग 2000 पेटी से ज़्यादा विस्फोटक आतिशबाजी के कार्टून बरामद हुए हैं। ये पुलिस की सक्रियता और अग्निशमन विभाग की सक्रियता से ही बगल में एक आदित्य इंटरप्राइजेस के नाम से मोबिल का गोदाम था, वहाँ आग लगी थी। जब पुलिस ने आसपास के दुकानों को चेक करना शुरू किया कि आसपास क्या भंडारण किया गया है, तो ये पुलिस की सक्रियता से ही इसका खुलासा हो पाया है और अवैध रूप से रखा हुआ भारी मात्रा में विस्फोटक और पटाखे पुलिस की सक्रियता से बरामद किए गए। किसका पटाखा है, कौन है, इसका मालिक कौन है? ये गोदाम इसके जो लैंडलॉर्ड हैं अनिल अग्रवाल हैं, और उनसे पूछताछ किया गया। उन्होंने बिना किसी एग्रीमेंट के और बिना किसी जानकारी के, मतलब बिना किसी एग्रीमेंट के अवैध रूप से पटाखा रखवाने के लिए उन्होंने अपनी सहमति प्रदान किया था। उनसे पूछताछ की जा रही है। और ये अनवर अली हैं, रहने वाले मुगलसराय थाना क्षेत्र के ही हैं। उन्होंने लाके यहाँ पे एक सप्ताह पहले रखा हुआ था। हाँ, बारूद भी मिले हैं। विस्फोटक विभाग को भी बताया जा रहा है, उसको सूचित किया जा रहा है। नहीं, सारे बिंदुओं की जांच पड़ताल की जाएगी, लेकिन जैसा इन्होंने लैंडलॉर्ड ने बताया है कि इन्होंने अभी एक सप्ताह पहले दिया था, इसकी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। इनके कथनों में क्या सच्चाई है, इनकी कहां तक सहमति है, लेकिन निश्चित रूप से इनकी सहमति है। इन्होंने अवैध भंडारण करने के लिए बिना किसी एग्रीमेंट के परमिट किया है। सर, मामला खुला कैसे? बगल मोबिल का गोदाम था। जैसा मैंने बताया कि पुलिस की सक्रियता और अग्निशमन विभाग की सक्रियता से बगल में जो आग लगी हुई थी, तो अग्निशमन विभाग वाले आग लगने के पश्चात आसपास के दुकानों को, आसपास के मकानों को सुरक्षित करने के लिए जांच पड़ताल करते हैं उसमें क्या रखा हुआ है। जब चेक किया गया तो पता लगा यहाँ पर पटाखे का अवैध भंडारण किया गया है। इसीलिए मैं बार बार इस बात को एम्फेसाइज कर रहा हूँ। आने वाले बहुत त्यौहार है, दीपावली है, छठ है, दुर्गा पूजा है, तमाम, तो इसको देख के आप क्या इनके ऊपर और जांच बैठाएंगे कि कौन है, क्या है? नहीं, सारे विधि संगत और सुसंगत धाराओं में लैंडलॉर्ड, इसके जो लैंडलॉर्ड हैं और जो अवैध रूप से पटाखा भंडारण किए हैं, उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसकी कीमत कितनी? अभी इसका अंदाजा लगाया जा रहा है, विस्फोटक विभाग से बात की जा रही है। चूँकि पटाखे की कीमत MRP में ज़्यादा होती है एक्चुअल कास्ट, लेकिन मार्केट कीमत जो अभी तक हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं करोड़ों में होगी, जो बाजार में बिकेगा। 2000 से अधिक पेटियां हैं, 2000 से अधिक कार्टून हैं, बड़े बड़े कार्टून।